राज्यों में हुए चुनावी घमासान में भाजपा को मिली बड़ी पराजय पर क्या बोलते हैं आज के हिंदी भाषी सितारे, आइए नजर डालते हैं आज के युवा सितारे। महामहिम राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत डॉक्टर योगेश दुबे से CEN न्यूज रिपोर्टर महेंद्र मणि पांडे के साथ। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं CEN न्यूज। CEN न्यूज की स्पेशल आज जो बुलेटिन है उसमें हम एक ऐसे शख्सियत से आपको मुलाकात करवाने वाले हैं जिनको किसी नाम की आवश्यकता नहीं है। हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर योगेश दुबे जी। हम आपको बता दें अभी हाल में इनको राष्ट्रपति पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया, साथ साथ में उत्तर भारतीय महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और बोरीवली में इनका निवास है। बोरीवली निवास रहने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से इन्होंने अपने को एक राजनीतिक मंच पर तैयार किया हुआ है, तो हम चलते हैं उन्हीं की जुबानी सुनने की कोशिश करते हैं कि कहां तक किस क्षेत्र में और जो आज यहां पर मंच पे बैठे हुए हैं या ये कहें करोड़ों उत्तर भारतीयों के जो दिलों पे राज कर रहे हैं वो किस प्रकार से कर रहे हैं और शुरुआती दौर उनका कैसा रहा और अभी तक किन किन संस्थाओं या किन किन लोगों के द्वारा इनको जो पुरस्कृत किया गया है उस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। हम आपको बता दें अभी हाल में राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के जिस हिसाब से शिवसेना अयोध्या का दौरा किया, अयोध्या का कुछ किया, उसमें भी लगातार डॉक्टर योगेश दुबे जुड़े रहे और पल पल की खबर लेते रहे हमारे चैनल के माध्यम से। तो दुबे जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, अभी जो राम मंदिर मुद्दे को लेकर के शिवसेना जो है अभी अयोध्या में कूच किया, एक प्रकार से आप पल पल की खबर देखते रहे, हमारे चैनल के माध्यम से बने रहे, क्या कहेंगे उसको लेकर? निश्चित ही बड़े पैमाने पे जो है महाराष्ट्र से भी सभी नेता और लोग गए हुए थे वहां पर अयोध्या में, और सुप्रीम कोर्ट में चूंकि ये मामला विचाराधीन है तो लगभग सभी पक्ष ये मान रहे हैं या तो संसद में कानून लाकर जो है राम मंदिर बनाया जाए या जो है सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा किया जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में निश्चित ही इस पर सकारात्मक जो है इसके परिणाम आएंगे और निश्चित ही राम मंदिर बनेगा। सर, एक चीज और रोकना चाहेंगे, हमें जानने की कोशिश करेंगे कि अभी शिवसेना पक्ष प्रमुख ने सभी उत्तर चार राष्ट्रीय संगठक नियुक्त किए और सभी करीब जो नामचीन चेहरे उत्तर भारतीय चेहरे उनसे संपर्क किया गया, तो क्या आपसे भी ऐसा संपर्क किया गया इस मुद्दे को? नहीं, हमसे कोई संपर्क नहीं किया गया। शिवसेना से जुड़े हुए जो पदाधिकारी थे, जो कार्यकर्ता थे, वे सभी उत्तर प्रदेश गए हुए थे और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। जी, अभी पांच राज्यों के जो चुनाव हुए हैं हालिया में अभी देख रहे हैं, अगर देखा जाए तो माना जा रहा है कि जो शिवसेना ने एक प्रकार से अयोध्या में अभी कूच किया या प्रवेश किया उसको लेकर के इनकी हार हुई जो है पांच राज्यों के चुनाव में, क्या कहेंगे उसके सर? मुझे तो नहीं लगता है कि शिवसेना के उस मूवमेंट से जो है इन सभी राज्यों में जो है भारतीय जनता पार्टी हारी है, और जो विश्लेषण हम लोगों के सामने है और जो हम लोग देख भी रहे हैं कि इन सभी राज्यों में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में 15-15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है, और इतने लंबे समय में अगर कोई सरकार रहती है तो एंटी इनकम्बेंसी बड़े पैमाने पर काम करती है, और यह अपेक्षित भी था क्योंकि शिवराज सिंह चौहान 15 वर्ष से वहां पर थे, डॉक्टर रमन सिंह जी भी वहां पर इतने वर्षों से वहां पर थे, तो एंटी इनकम्बेंसी ने बहुत ज़्यादा काम किया है। और दूसरे और भी पक्ष रहे हैं, GST का भी रहा है, डिमोनेटाइजेशन का भी रहा है, तो लोगों ने जो है अब की बार परिवर्तन के लिए जो है इन सभी राज्यों में जो है वोट किया हुआ है, मतदान किया हुआ है। राजस्थान में तो ये पुरानी परंपरा रही है कि 5 वर्ष कांग्रेस पर, 5 वर्ष जो है भारतीय जनता पार्टी रही है, इसकी पुनरावृत्ति हुई है और फिर से जो है वहां पर कांग्रेस आ गई। तो क्या अभी हालिया में अभी 2019 में लोकसभा के चुनाव होने हैं तो क्या वैसे परिणाम देखने को मिल सकता है? पुनः जो है एक राजनीतिक समीक्षक भी है और लगाव भी आपका जो है मध्य प्रदेश राजस्थान से लगातार जुड़ा रहा है, तो क्या कहेंगे उसे? 2019 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए 2014 का तो चुनाव नहीं ही होगा, और लोगों के मन में परिवर्तन भी दिखाई पड़ रहा है, और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के लिए 2019 चुनौतीपूर्ण स्थिति बनी रहेगी। अब देखना है ये कि अगले 4-5 महीने में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और अपने मित्र दल के माध्यम से
वे कैसे जो है नई नीतियां लेकर आते हैं जिससे आम जनता अपने आप को राहत महसूस करे, और जो भी त्रुटियां जो भी गलतियां इन इन विधानसभा के चुनाव में उनसे हुई है कैसे वे उसको सुधार करके 2019 के लोकसभा चुनाव को फेस करते हैं। तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि 3-4 महीने में कैसे कांग्रेस भी अपने आप को मजबूत करती है, जो दूसरे क्षेत्रीय दल है वो कैसे अपने आप को मजबूत करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी अपने गलतियों को सुधार करके कैसे 2019 का चुनाव का मुकाबला करते हैं। हम सर ये जानने की इस कोशिश और करेंगे कि अभी हालिया में जो चुनाव होने वाले हैं, आप जो है उत्तर भारतीयों के इस देखा जाए तो आप सरताज कहे जाते हैं और सरताज माने भी जाते हैं, जबकि बाहुल्य उत्तर भारतीय क्षेत्र जो है मुंबई थाने में जो और पालघर से जुड़ा हुआ है, तो उसमें आप इस समय वर्तमान उत्तर भारतीय महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं, तो आने वाले आगामी 2019 में आपके संघ के माध्यम से क्या रहेगा, थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। पहली बात तो उत्तर भारतीयों का सरताज तो मैं नहीं हूँ, सरताज तो वो लोग हैं जो वाकई इतने वर्षों से यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। उत्तर भारतीय समाज का वो श्रमजीवी वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, ये लोग सरताज हैं जिनके बदौलत हम लोगों ने अपनी पहचान और अपनी अस्मिता यहाँ पर बनाए रखी है। उत्तर भारतीय मतदाता अगर आप पूछेंगे तो पिछले विधानसभा के चुनाव में बड़े पैमाने पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सहयोग दिया हुआ था, मदद किया हुआ था। आने वाले समय में किस तरीके से ये करवट बदलते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव भी 2019 सितंबर में होने वाला है, तो अभी बहुत ही जल्दबाजी होगा ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति वही प्रेम जो है उत्तर भारतीयों का रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि लोकसभा का चुनाव उसके पहले है। तो अभी तो केवल लोग आकलन कर सकते हैं कि क्योंकि महाराष्ट्र में परंपरागत रूप से तो उत्तर भारतीय हमेशा कांग्रेस को ही वोट करता आ रहा है, लेकिन कभी राम मंदिर में, कभी मोदी के बेब में, कई बार अन्य बहुत सारी वजह हैं जिसकी वजह से वो कांग्रेस को छोड़कर अब की बार उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मदद किया था। तो मेरे विचार से विधानसभा का चुनाव तो अभी वक्त है, लोकसभा के चुनाव में कुछ वो लोग मन बना सकते हैं। और सर एक चीज और जानने की कोशिश करेंगे, जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग जो है काफी आपसे प्रभावित रहता है मुंबई में, और 2019 के चुनाव को लेकर युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को, युवा जो जो कैंडिडेट है उनको कि जो मतदाता है उनको, दो अलग अलग पहलू है दोनों के लिए सर। जो हमारे जो कैंडिडेट होंगे उनको मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अपने मैनिफेस्टो में वाकई जो है एक व्यवहारिक रूप से वे काम करें। नौजवान जो दूसरे राज्यों से आ रहे हैं उनके लिए भी सम्मानजनक स्थिति महाराष्ट्र में रहे, उनको यहाँ पर नौकरी मिले, उनको यहाँ पर रोजगार मिले, वे लोग यहाँ पर जो है अपना योगदान वर्षों से करते आए हैं, उनको यहाँ पर उनको भी मौका मिलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारे सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि वर्षों से उत्तर भारतीय समाज जो है आपको मदद करता आ रहा है, समर्थन करता आ रहा है, लेकिन आज भी बड़े पैमाने पर जो है उत्तर भारतीयों के साथ में अलग अलग वर्गों में अन्याय किया जा रहा है, वो कहीं इन सब सारी चीज़ों की समीक्षा करें और न्याय दिलाने का काम उत्तर भारतीय समाज को महाराष्ट्र में करें। मतदाताओं से मैं जरूर कहूंगा कि वो अधिक से अधिक मतदान करें, हम लोग किसी एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए नहीं है, एक स्वतंत्र विचारधारा के लोग हैं, तो युवाओं से हम जरूर कहेंगे कि स्वयं भी प्रेरित हो और अधिकांश लोगों को प्रेरित करके वो लोग मतदान करें, राष्ट्रीय धर्म है इसका पालन होना चाहिए। जी हाँ, ये थे डॉक्टर देवेश दुबे जी, आप सुने कि युवाओं को आगे आना चाहिए, राजनीति में आगे आए, मतदान करते वक्त भी आगे आए, और जो इनका एक प्रकार से जो आह्वान है या जो विचार है शायद वो प्रत्येक महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या हम कहें संपूर्ण भारत में जाएगा, और युवा लोग जरूर 2019 के आगामी चुनाव में अपना मत देंगे। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे एक नई सुबह एक नए सक्सेस के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।